जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट के समक्ष महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका कार्यकर्ता एवं अपनी नियमितीकरण की वेतनमान और पेंशन को लेकर 4,000 से अधिक वह भी भूख हड़ताल पर हैं, जिनका धरना प्रदर्शन विभिन्न मांगों को लेकर किया जा रहा है। यह आंदोलन चरणबद्ध 23 जनवरी से 28 जनवरी 2023 तक चलेगा। वहीं इस कार्यक्रम के संयोजक व जिला अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह राजपूत ने हमारे चैनल से कहा कि यह प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन के साथ साथ आंदोलन 23 जनवरी 2023 से लेकर 28 जनवरी 2023 तक चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है और ये जिले की महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका कार्यकर्ताओं को नियमितीकरण को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका में से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं भारतीय मजदूर संघ का पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ संबद्ध भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में 11 सूत्री मांगों को लेकर के इनका ये धरना प्रदर्शन प्रारंभ है। आज टीकमगढ़ में इसी क्रम में 11 सूत्री मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ हुआ है। आज धरना प्रदर्शन पे है तो मध्य प्रदेश सांसद से हम लोग बहुत समय से लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोग को नियमितीकरण किया जाए और जो हम लोगों के 1,500 रुपया रोके गए हैं पड़े हुए उनको एरियर सहित हम लोग को दिया जाए और अगर आगे हम लोग को मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अभी जो चरणबद्ध आंदोलन हो रहा है वो आगे भी चलेगा और हो सकता है हम लोग भोपाल भी जाए। मेन मांग क्या है आपकी? क्या मेन मांग है? हम लोग को नियमितीकरण किया जाए और जब तक नियमितीकरण नहीं होता है जब तक हम लोगों को 18,000 कार्यकर्ताओं को और 9,000 आंगनबाड़ी सहायिका को दिया जाए।